सोलन में यातायात व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इस व्यवस्था को ठीक करने में यातायात पुलिस भी असफल दिखाई दे रही है। यही वजह है सोलन के प्रत्येक कोने पर जाम की स्थिति देखी जा सकती है। सोलन बाईपास से लेकर कोटला नाला तक पहुंचने में वाहनों को करीबन आधा घंटा लग रहा है। ऐसे में अगर कोई एम्बुलेंस आ जाए तो और भी परेशानी हो जाती है। शाम को तो यह यातायात व्यवस्था शहर में इतनी बदतर हो जाती है कि सोलन में पैदल चलने वालों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ती है, जिस कारण खास तौर पर माल रोड पर दुर्घटनाएं हो रही है। आसपास के व्यवसायी भी बेहद तंग आ चुके हैं। रोष प्रकट करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि यातायात व्यवस्था सोलन में बेहद खराब हो चुकी है। सुबह से शाम तक माल रोड पर जाम लगा रहता है। कई यातायात पुलिसकर्मी यातायात को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह ठीक से व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, जिसके चलते सोलन वासियों को बेहद असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते वाहनों और जाम की स्थिति से आम जनता का चलना बेहद मुश्किल हो गया है। दिन प्रतिदिन यह समस्या बढ़ती जा रही है, इसलिए यातायात कर्मियों को चाहिए कि वह व्यवस्था को दुरुस्त करें। जाम अब हमारे शहर में जैसी सड़कें हैं और जैसा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, उस हिसाब से जितने व्हीकल्स हैं उस हिसाब से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं कि अब कारें तो हर रोज़ ही बिक रही हैं या बड़े बड़े व्हीकल्स बिक रहे हैं और सड़कों पर हर टाइम जाम लगा रहता है। तो इसका नगर निगम और प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस चीज़ को देखे कि इसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी को, बुज़ुर्गों को चलने में सड़क में बहुत दिक्कत होती है। तो ये जाम जो है ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और जो बेतरतीब तरीके से कई लोग ड्राइविंग करते हैं, जिनका ड्राइविंग तो रश ड्राइविंग है, जैसे कई बार जैसे बंद रहता है, बंद होने के बाद जैसे खुलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई रेस लग रही है बाइक्स की या स्कूटर्स की, उस पर थोड़ा सा चेक रहे ताकि आम आवाम जो है वो थोड़ी सी सहूलियत को महसूस करे। मेरा तो इतना ही कहना है। दिखती बात है, जब से स्कूल खुले हैं तो हल्का सा ये चीज़ें तो इम्पेक्ट करती ही हैं। अगर वो सुचारू रूप से नहीं चलेंगी तो वो तंग तो करेंगी। ऐसा नहीं है कि हर आदमी उससे इफेक्टेड होता है। ये जाम की वजह से आम जन और दुकानदार बहुत परेशान है। सुबह से ले कर शाम को जब तक ये ट्रैफिक बंद नहीं होता 5:30 बजे तक, तब तक दुकान पे बैठना बहुत मुश्किल है दुकानदारों के लिए। ऐसे लग रहा है कि थोड़े टाइम में हमारे को भी अपने कानों का इलाज करवाना, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। अधिकतर दुकानदारों को दिक्कत तो रहती है, कई बार रश के टाइम पे कहीं ना कहीं हिट की प्रॉब्लम रहती है। लोग चलते हैं माल रोड पे हाईवे की तरह चलते हैं, बाइक्स वगैरह वाले काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हैं, तो उसमें बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए तो खासकर प्रॉब्लम तो है ही है।